स्वागत है आप सबका मेरे चैनल रिंकू की रसोई में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ प्याज टमाटर की सब्जी की रेसिपी। अक्सर हमारे घर में सब्जियाँ खत्म हो जाती हैं, समझ में नहीं आता क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं। अगर आपके घर में प्याज और टमाटर हैं तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कर सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टमाटर को साइड में रख लेंगे, प्याज को कट करेंगे। प्याज को मैंने छील लिया है, छील कर अच्छे से इसको धो लिया है। तो प्याज को हम कट करेंगे। प्याज को हम इस तरह से कट करेंगे, ये देखिए। अगर छोटा प्याज है तो आप 4 पीसेस कर सकते हैं और बड़ा प्याज है तो 6 पीस कर सकते हैं। प्याज में जो ऊपर वाला गांठ होता है मैंने इसको निकाल दिया है। ये देखिए मैंने प्याज को कट कर दिया है। अब हम प्याज को साइड में रख देंगे, इसके ऊपर वाले पार्ट को हम हटा देंगे। वैसे भी ऊपर का पार्ट नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जो टमाटर का बीज है इसको हम हटा लेंगे और इसको इस तरह से हम काट लेंगे। ये देखिए। ये देखिए मैंने टमाटर के सारे बीज को निकाल दिया है, आप देख सकते हैं। तो अब चलिए प्याज और टमाटर की सब्जी बनाने चलते हैं। चलते हैं चूल्हे की तरफ। कढ़ाई को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। सबसे पहले हम इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे, 2 चम्मच के करीब हम तेल डालेंगे और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें कटे हुए प्याज को डाल देंगे। प्याज को हम अच्छे से चला लेंगे। प्याज को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। प्याज को हमें गोल्डन एंड ब्राउन नहीं करना है, इसको हल्का सा सॉफ्ट करना है। प्याज को मैंने हल्का सॉफ्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं प्याज की ये जो सारी पत्तियां हैं अपने आप बाहर निकल रही हैं। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर को डाल देंगे। टमाटर को भी हम 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे, इन्हें भी हमें हल्का ही भूनना है ताकि ये जो टमाटर है हमारे हल्के सॉफ्ट हो जाए। प्याज और टमाटर को मैंने हल्का सॉफ्ट कर लिया है, अब हम दोनों को निकाल लेंगे। थोड़े से प्याज टमाटर को हम इसी में रख देंगे, थोड़ा सा इसमें हम तेल डालेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं तो इसमें हम 2 तेज पत्ता डाल देंगे, 4 से 5 काली मिर्च, 3 से 4 लौंग, 2 दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। हल्का सा भून लेंगे। अब हम टमाटर और प्याज को भी इसमें मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। प्याज और टमाटर को हम हल्का सा ठंडा करेंगे और इसको पीस लेंगे। कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच के करीब तेल डाला है, इसमें हम पीसे हुए मसाले को डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच सिंगल लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया का पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को अच्छे से भूनना है। मसाले को मैंने 5 से 6 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। यहाँ पर मैंने 4 से 5 हरी मिर्च लिया है, हरी मिर्च को मैंने लंबे शेप में काट लिया है। हरी मिर्च को हमें अभी ही डालना है। मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया है। यहाँ पर मैंने मलाई लिया है, ये फ्रेश मलाई है, 2 चम्मच हम मलाई डाल देंगे। मलाई को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मलाई डालने से क्या होगा दोस्तों, क्रीमी टेक्सचर आएगा और ये जो हमारी प्याज और टमाटर की सब्जी है बहुत ही स्वादिष्ट बढ़िया बनकर के तैयार होगी। मसाले को मैंने अच्छे से भून लिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, अब हम इसमें टमाटर और प्याज को डाल देंगे।
इसको हल्का सा भूनेंगे। इसको भूनने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए ढक देंगे। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, चलिए सब्जी को हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए सब्जी देखने में कितना बढ़िया लग रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। आपको सब्जी का कलर देखने से ही पता चल रहा होगा, ये जो हमारी टमाटर और प्याज की सब्जी है इतना बढ़िया बन करके तैयार हुई है। तो गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसको एक बर्तन में निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने सब्जी को एक बाउल में खाली कर लिया है, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि सब्जी हमारी कितना स्वादिष्ट बनकर के तैयार हुई है। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।